इस वीडियो में हम समझेंगे रेक्टिफायर क्या होता है और यह कैसे काम करता है रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके बनाया जाता है इसकी वर्किंग पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है रेक्टिफायर को बनाने के लिए डिप्लेशन लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइए इसे डिटेल में समझते हैं इनिशियली जब पी एन जंक्शन डायोड बनता है तब एक्सटर्नल वोल्टेज के एबसेंस में डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है और साथ ही पोटेंशियल बैरियर भी बनता है इस डिप्लेशन रीजन में एन साइड से फ्री इलेक्ट्रॉन और पी साइड से होल जंक्शन पे कंबाइन करते हैं अब अगर हम इस डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में ऑपरेट करें यानी पी साइड को पॉजिटिव वोल्टेज और एन साइड को नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें तब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता है जिससे डिप्लेशन रीजन की विर्थ घटने लगती है डिप्लेशन रीजन की विथ रिड्यूस होने के कारण एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड मूव करते हैं और दूसरी ओर पी साइड के होल एन साइड मूव करते हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं जिससे डायोड में करंट फ्लो होने लगता है यानी कंडक्शन होता है इस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अब अगर हम इस डायोड को रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट करें यानी पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तब एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज करने लगता है जिससे डिप्लेशन लेयर की विद्ध बढ़ने लगती है ऐसा होने के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन से पास नहीं हो पाते और इस कारण डायोड में करंट फ्लो नहीं हो पाता सीधे शब्दों में कहें तो रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता अब मान लीजिए कि इस पी एन जंक्शन डायोड को ए सी सर्किट में कनेक्ट किया गया है इस सर्किट में एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है जिससे एसी करंट लिमिटेड अमाउंट में पास होता है और डायोड में फ्लो करता है जब ए सी इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होता है तब डायोड के पी साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज और एन साइड पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होता है इस केस में डायोड फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट होता है और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्शन होता है यानी डायोड के थ्रू करंट फ्लो होता है जब ए सी इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होता है तब डायोड के पी साइड पे नेगेटिव वोल्टेज और एन साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होता है इस केस में डायोड रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है और हम जानते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं होते हैं और डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है जब ए सी करंट कंटिन्यूसली अप्लाई किया जाता है तब एसी इनपुट के हर एक पॉजिटिव साइकिल पे करंट पास होता है लेकिन नेगेटिव हाफ़ साइकिल में करंट पास नहीं होता है हम देखते हैं कि आउटपुट करंट में सिर्फ़ पॉजिटिव हाफ़ साइकिल ही है जबकि नेगेटिव हाफ़ साइकिल नेग्लेक्ट हो जा रही है अब क्योंकि आउटपुट करंट में सिर्फ़ पॉजिटिव हाफ़ साइकिल है इसलिए इस करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं डायरेक्ट करंट वह करंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो अब जैसा कि हमने देखा कि ए करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं और इस सर्किट कंस्ट्रक्शन को रेक्टिफायर कहते हैं लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ हाफ साइकिल ही डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो रही है इसलिए इस प्रोसेस को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम इस सर्किट में एक और सेम टाइप का डायोड सर्किट में दूसरी साइड कनेक्ट करेंगे पहले डायोड को हम D1 और दूसरे डायोड को हम D2 मानेंगे जब AC इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होता है तब D1 के पी साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज और D2 के पी साइड पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होता है कहने का मतलब D1 वन फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है वही D2 रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है इस केस में D1 से पॉजिटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में आउटपुट मिलता है और D2 से कोई आउटपुट नहीं मिलता है अब जब AC का नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होता है तब D1 रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है और D2 फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है इस केस में D2 से पॉजिटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में आउटपुट मिलता है जबकि D1 से कोई आउटपुट नहीं मिलता है इस तरह से ए के हर कंप्लीट साइकिल में हमें दो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं यानी करंट की डायरेक्शन सेम होती है इस तरह से हमें कंप्लीट पॉजिटिव साइकिल की फॉर्म में आउटपुट मिलता है और इस कारण हम इस प्रोसेस को फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं और सर्किट को फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं रेक्टिफायर का यूज कई चीजों में होता है जैसे हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एसी से डीसी कन्वर्टर में डीसी से चार्ज होने वाले डिवाइस में डीसी चार्जिंग में थैंक्स फॉर वॉचिंग If you like this video, please like and subscribe our channel.